ही गाइस, आज है मार्च की 26 तारीख और देखिए गुलाब के कुछ पौधे हमने नीचे मिट्टी में लगाए हैं। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है गुलाब की कि हाइब्रिड गुलाब को कटिंग से कैसे लगाएं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और कटिंग लगाने का सही समय क्या है, ग्राफ्टिंग कब करें। तो ऐसे ही देखिए यह एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हालांकि गुलाब में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो यह एक हाइब्रिड रेड रोज़ है, ये देखिए। तो ज़मीन पे लगाए हुए पौधे जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनको मॉइस्चर न्यूट्रिशन जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है अपने हिसाब से। तो इनके पत्ते देखिए कितने हेल्थी हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लास्टिक के पत्ते हों। ये देखिए इनमें एक अलग सी शाइन है। तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये फ्लावरिंग सीजन है और देखिए पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं। इनमें देखिए बंच में फूल लगे हैं, देखिए इनमें फूल आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए तो ये गुच्छे लगे हैं, तीन तीन चार चार के। तो इस वैरायटी को कटिंग से लगाया जा सकता है, यह हाइब्रिड वैरायटी है, इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिसंबर के दौरान हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये लगभग 4-4 फुट का पौधा हो चुका था, इसकी जो नए शूट्स थे, ब्रांचेस थी, तो उसकी हमने कटिंग की। तो अभी देखिए इनमें जो है फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। मार्च की शुरुआत से ही इनमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आने शुरू हो गए थे और अभी भी इनमें काफ़ी फूल आएंगे। तो ऐसे हमारे पास 10-15 पौधे हैं। और ये देखिए इसकी वैसे कुछ खास पहचान नहीं है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते थे इस वैरायटी के बारे में। तो इसकी जो ब्रांच है ये देखिए, इनमें पूरी में कांटे होते हैं, पूरी ब्रांच में, और बाकी फूलों से ही इनको पहचाना जा सकता है। तो जैसे इनके फूल कुछ पुराने हो जाते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं, और जो नए फूल है वो रेड कलर के होते हैं। तो वैरायटी बहुत ही प्यारी है, ये देखिए। तो देखिए इस वैरायटी को हम गमले में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, और अभी के दौरान आप नर्सरी में विजिट करें तो हो सकता है आपको कुछ अच्छी वैरायटी मिल जाए। तो रेड रोज़ में बहुत सारी वैरायटी है, कुछ वैरायटी को आप ज़रूर परचेज़ करें और फिर उनको लगाना और इनकी केयर करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसी पौधे से काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हैं कटिंग द्वारा। तो जनवरी के दौरान आप कटिंग लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जनवरी का टाइम और फरवरी का टाइम बिल्कुल सही है। तो होता क्या है, जो इनकी ब्रांचेज है देखिए, ये जैसे ये पुरानी ब्रांच है, तो जैसे जैसे मान के चलिए इनमें छोटे छोटे स्प्राउट होते हैं। अगर वो स्प्राउट आ रहे हैं तो फरवरी के दौरान वो स्प्राउट देखे जाते हैं ज़्यादातर, तो उस दौरान आप उनको कटिंग से लगाएं। तो यहाँ पे स्पेशली इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको मैं ये इनमें जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो दिखा सकूँ। ये देखिए, तो देखिए अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो बस हमें हमेशा, मैं आपको यही बताता हूँ कि हमें फर्टिलाइज़र हमेशा बदल कर ही डालना है, चाहे उन्हें फूल लगते हो, कोई ऐसा पौधा हो या फिर फ्रूट वाला पौधा हो। तो पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, एनपीके चाहिए। तो ऐसे में बदल कर अगर हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो ऐसे में ही पौधा हमारा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो बीमारियों के लड़ने के लिए भी पौधे को एक अच्छी एबिलिटी चाहिए। तो वो क्षमता तभी मिलेगी जब हम पौधों को जो है बदल बदल कर फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो पोल्ट्री मैन्योर, किचन कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, इनमें से कोई एक फर्टिलाइजर मैं इनमें जनवरी या फरवरी के दौरान इनमें डालता हूं। इसके अलावा बरसात के दौरान इनमें गोबर खाद डाला जाता है। तो ऐसे में देखा गया है बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं पौधे। तो इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।